3 हफ्ते और 2 दिन पाकिस्तानी घुसपैठियों को भारत माँ के वीर जवानों ने खदेड़ा। वो कहानियां जज्बे की, बहादुरी की, मदद की और फतह की। कारगिल की ऊंची चोटियों पर जब लहराया था तिरंगा, भारत माता के वीर सपूत जब सर पर कफन बांध कर निकले, देश पर कुर्बान होने के लिए दुश्मनों से लोहा लिया, जब सारी दुनिया हिंदुस्तान का पराक्रम देख रही थी। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान के वीर जवानों ने ये ठान लिया था कि अपनी धरती पर हम दुश्मनों को कदम नहीं रखने देंगे, भारत माँ की रक्षा के लिए हम खुद के प्राण नौछावर कर देंगे। जब कड़ाके की ठंड में हमारे जवानों ने पाकिस्तान की घुसपैठियों को मार गिराया और खदेड़ दिया, ये करना आसान नहीं था लेकिन नामुमकिन नहीं था। दुश्मनों ने जब चारों तरफ से कारगिल को घेर लिया था तो हमारे जवानों ने सेने पर गोलियां खाकर देश की रक्षा की और कारगिल फतह किया, जिसकी खुशी आज भी देश मनाता है। हमारे जवानों की शहादत यूं ही जाया नहीं हुई और यही वजह है कि दुश्मनों को सबक मिला कि अगर भारत की तरफ आंख उठाकर देखोगे तो ये आज का भारत है, ये ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है। हर साल 26 जुलाई को भारत में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। इस दिन कारगिल युद्ध में शहीद भारतीय सैनिकों के बलिदान और शौर्य को याद किया जाता है। यह युद्ध जम्मू कश्मीर के कारगिल जिले में मई और जुलाई 1999 के बीच हुआ था। इस युद्ध में भारतीय सेना के जवानों ने अदम्य साहस दिखाया और दुश्मनों की छुट्टी कर दी थी। तो आज इस खास दिन को याद कर चलिए इस युद्ध से जुड़ी कुछ कहानियां आपको बताती हैं। अनकही कारगिल युद्ध की कहानियां। आज से ठीक 24 साल पहले इसी दिन भारत ने पाकिस्तान को घुटनों के बल ला दिया था। ये वो जंग थी जब भारत ने पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाई। हमारे जवानों ने बता दिया कि कश्मीर पर कब्जा करना पाकिस्तान का अधूरा सपना अधूरा ही रहेगा। 24 जुलाई को भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया। इन अक्षरों में स्याही हमारे बलिदानियों के रक्त की थी। नंगे पैर लड़ी थी कारगिल की जंग। भारतीय सेना में थे बड़े ही काबिल अफसर नींबू साहब। द्रास पर चढ़ने की जब बारी आई तो सबके हाथ पैर फूल गए। 16,000 फीट की ऊंचाई, पारा -10 डिग्री पर, जवानों को दिक्कतें आ रही थी, पर चोटी पर कब्जा तो करना था, पाकिस्तानियों को भगाना था। सबसे आगे नींबू साहब थे। नींबू साहब ने जब चढ़ने की कोशिश की तो उनके जूते फिसलने लगे, लेकिन तभी कुछ सोचकर अचानक उन्होंने अपने जूते उतारने शुरू कर दिए। इतनी ठंड में जूते उतारना खतरनाक था, उन्हें फ्रॉस्ट बाइट हो सकता था। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, नींबू साहब ने मोजे भी उतार दिए। नंगे पैर चट्टान पर ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ने के बाद नींबू साहब ने रॉकेट लॉन्चर से फायर किया और एक के बाद एक करके 7 पाकिस्तानी बंकरों को तबाह कर दिया। जवाबी फायरिंग में नींबू साहब को गोली लगी, बावजूद इसके दुश्मनों से लड़ते रहे। आखिरकार नींबू साहब के साथियों ने पोस्ट को अपने कब्जे में ले लिया, लेकिन जब पीछे अपने हीरो की तरफ मुड़े तो वो खाई में गिर चुके थे। नींबू साहब जा चुके थे। साथियों की आंखों में आंसू थे, सब एक ही बात दोहरा रहे थे, ये आपकी जीत है नींबू साहब, ये आपकी जीत है। आज 26 जुलाई 2023 को पूरा राष्ट्र कारगिल विजय दिवस के रूप में मना रहा है। आज से 24 वर्ष पूर्व 1999 में पाकिस्तानी सेनाओं ने कुटिलतापूर्वक हमारे भूभाग पर कब्जा किया, लेकिन मैं सलाम करता हूं अपने फौजियों का, अपनी सेना का, उसके युवा अधिकारियों कर्मचारियों का, जिन्होंने अपनी पूर्ण आहुति दे करके टाइगर हिल और उस दुर्गम क्षेत्र में अपनी प्राणों की आहुति दे करके उसको वापस किया। 527 अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी जान दे करके भारत माँ, हमारे तिरंगे और अपनी फौज की आन बान शान की रक्षा की। टाइगर हिल जीतने से पहले ही हुआ जीत का ऐलान। उस वक्त भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस थे। टाइगर हिल अब भी भारत के हाथ से बाहर था। पाकिस्तानी घुसपैठिए उस पर कब्जा जमाए बैठे थे। भारत के दो जाबाज अफसर
लेफ्टिनेंट बलवान सिंह और कैप्टन सचिन नीलांबरकर टाइगर हिल फतह करने से बस 50 मीटर ही नीचे थे। ब्रिगेड मुख्यालय तक संदेश पहुंचा, दे आर शॉर्ट ऑफ द टॉप, यानी कि टाइगर हिल की चोटी अब बस कुछ ही दूर है। श्रीनगर से दिल्ली पहुंचते पहुंचते इस संदेश की भाषा बिल्कुल बदल गई थी। दिल्ली में इसे दे आर ऑन द टाइगर टॉप समझा गया। फिर क्या था, जिस वक्त की खबर रक्षा मंत्री तक पहुंची उस दौरान वो पंजाब में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान उन्होंने ऐलान कर दिया कि टाइगर हिल पर अब भारत का कब्जा हो गया है। हालांकि भारतीय सेना ने बाद में टाइगर हिल पर भारत का झंडा फहरा दिया। यह दिन था, 24 साल बीत गए हैं, बहुत अपनों को खोया, लेकिन आज भी दिल में इस बात की खुशी है कि जिन लोगों ने भारत माँ के लिए अपना खून बहाया उनकी वजह से कारगिल बचा रहा। टाइगर हिल पर तिरंगा आज भी लहरा रहा है।